हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। आज हम एक हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई एक चीज पे बात करेंगे, द लाइफ ऑफ लग्जरी वर्सेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हिंदी में कहा जाए तो आकांक्षाएं और जरूरत। हमारे लाइफ के अंदर ना जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे कहते हैं कि हम आजकल जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल के प्रति एक आकर्षण सा बढ़ता जा रहा है लोगों का, जैसे नए से नया फोन, बड़े से बड़ा घर और ब्रांडेड से ज्यादा ब्रांडेड कपड़े। मतलब ब्रांड्स में भी आपको पता है एक हायरार्की है कि ये छोटा ब्रांड है, ये मिडिल ब्रांड है, ये हाई ब्रांड, हाई क्लास ब्रांड है और कुछ फॉरेन ब्रांड्स हैं। उसके बाद सब डिजाइनर बहुत अलग अलग तरीके से एक कल्चर ऑफ कंजम्पशन क्रिएट करने की कोशिश है। ये जो कल्चर है ना, ये इस तरह से बनाया जा रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग या अलग अलग तरीके से कि आपको हमेशा ऐसा लगता रहे कि ये कम है या जीवन में ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें हम सब कुछ नहीं पा सकते, है ना। वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें पाल ली और हर ख्वाहिश पे हम अपना दम निकाले पड़े हैं कि ये फोन नहीं मिला तो मजा नहीं आया, ये जूते इस ब्रांड के नहीं पहने तो जीवन में सुख नहीं आ रहा। लेकिन कितने भी निकाल लो अपने अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, तो आप कितने भी पूरे कर लो, कितने भी आप अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जो ये हंगर है इसे पूरा कर लो, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ रह जाएगा। आपने सोचा कि मैं मॉल से कपड़े खरीदना शुरू करेंगे, अब लोकल मार्केट से नहीं खरीदेंगे, थोड़े समय बाद मॉल से खरीदोगी फिर लगेगा अरे मॉल में तो और हाई एंड ब्रांड चाहिए, मुझे और बड़े मॉल में जाना है, वहां से लगेगा कि अरे मुझे तो वो स्टूडियो वाले डिजाइनर्स के यहाँ जाके खरीदने हैं कपड़े क्योंकि वो नहीं है मेरे पास अब। उसके बाद लगेगा मुझे तो और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वहां से खरीद, तो कोई पूरी कभी पूरी होती है क्या ये सब? फिर एक दिन लगेगा सोने के कपड़े पहनने, फिर एक दिन लगेगा हीरे के कपड़े पहनने, तो ये चलता रहता है। तो हमारी अरमान कभी इच्छाएं कंप्लीट नहीं होंगी। तो अब जब कंप्लीट होने का रास्ता ही नहीं है, जब इस गली का कोई अंत ही नहीं है, तो हम हमेशा जो परपेचुअल फीलिंग इस पूरी जर्नी के साथ चलती रहेगी वो कैसी, वो क्या क्या एक परपेचुअल फीलिंग चलेगी हमारी कि मेरे पास कमी है, ये कम है, ये नहीं है। और जब हम उस कमी की फीलिंग के साथ लंबे समय रहते हैं, वो हमें हमारी मेंटल हेल्थ पे अटैक करता है। हमें लगता है कि हमें हमारे पास कमी है, वो हमें पूरे तरीके से खुश नहीं होने देता, जो फोन मिल गया उसके साथ संतुष्ट नहीं होने देता, जो लाइफ पार्टनर मिल गया, जो घर मिल गया, उस घर हम घर को नहीं इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अरे ये तो फ्लैट है, मुझे तो कोठी चाहिए थी, कोठी मिल गई तो अरे इसके आगे तो गार्डन नहीं है, मुझे तो गार्डन वाली कोठी चाहिए थी, अच्छा इसके आगे चलो गार्डन भी मिल गया, पीछे किचन गार्डन भी चाहिए था मुझे तो, अच्छा फिर मुझे तो यहाँ नहीं, मुझे तो वसंत कुंज में कोठी चाहिए थी। तो ये क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर एक घर हो जाएगा तो लगेगा अरे एक घर तो कहीं और भी होना चाहिए। अब ये तो चलता रहेगा ना, लेकिन देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप घर मत खरीदो, कपड़े नहीं खरीदो, ब्रांडेड कपड़े मत पहनो, फोन मत, ये सब करना है, लेकिन जो पीछे की फीलिंग जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, वो जो कमी की फीलिंग है, वो उसको अपने अंदर से हमें कम करना है। लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, जो हमारे पास है उसमें खुश भी रहना है, आगे भी करना है, ठीक है। अगर मतलब अभी मेरा फोन हाल ही में टूट गया है ना, वो गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई, या वो बदली नहीं जा सकती कुछ तो है क्योंकि बहुत महंगी स्क्रीन बदली जाती है आजकल, तो मैंने भी एक नया फ़ोन खरीदने के लिए मैंने भी इंटरनेट पे देखा भी कौन कौन से फ़ोन आ रहे हैं, कई सारे अच्छे फ़ोन नज़र भी आए, है ना, तो मुझे भी लगा कि हाँ चलो ये वाला फ़ोन खरीदते हैं। फ़ोन तो खरीदना है,
ऐसा नहीं कि अच्छा फोन नहीं खरीदना या हाई एंड चीजों पे नहीं जाना, लेकिन जब तक मेरे पास जो फोन था मैं खुश थी उससे। आप बस बस उसी फीलिंग के साथ रहना, जब तक मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूँ। अगर मेरे मींस बढ़ जाएंगे, अगर मेरे पास कल को ये सुविधा हो कि भाई मैं कुछ और चीज़ खरीद सकती हूँ जिसमें और सहूलियत मिलेगी, तो खरीदो। लेकिन दुख में नहीं रहना कि आज मेरे पास ये नहीं है, लेकिन ख्वाब मेरे इतने बड़े हैं कि वो आगे की फ्यूचर की जरूरत के लिए, फ्यूचर की चीज के लिए मैं आज अपने आप को परेशान करूं, है ना, आज की नींदें उड़ा लूं, आज के अपने फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस कर दूं, आज की दोस्ती को सैक्रिफाइस कर दूं। ये थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, है ना। अब लेकिन इसके अंदर एक बात और है, कभी आप मेहनत का समय आता है जीवन में, उस समय पे जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो मेहनत करो। लेकिन जब हम मेहनत की बात कर रहे हैं उस समय पे हम लग्जरियस लाइफस्टाइल के पीछे नहीं भाग रहे हैं। दो चीजों में अंतर है। एक है जब हम एक कांस्टेंट कमी की फीलिंग के साथ चीजों को अप्रोच कर रहे हैं कि मेहनत भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें क्या लग रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चाहिए, कैसे वो पता नहीं, कोई और दिला दे, ऐसा नहीं। अगर आपकी कोई इच्छा है, आप उसके लिए काम करने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी नींद छोड़ के मेहनत कर रहे हो, वो अलग चीज है। उस समय पे आपके अंदर एक इच्छा है कि हाँ मुझे कुछ करना है, और ये आप चीजों के लिए नहीं, किसी आइडिया को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो बात अलग है। लेकिन एक एक्सपेंसिव फोन खरीदने के लिए आप अपनी दुखी हो रहे हो, या एक नई गाड़ी खरीदने के लिए आपने अपने मन के अंदर ये पाल लिया कि जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी तब तक तो मेरा जीवन सुखी है ही नहीं, मुझे और कुछ करना ही नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि लग्जरीज कभी खत्म नहीं होती, आप एक पूरी करोगे दूसरी आ जाएगी, यही बुद्धा ने भी कहा था। बुद्धा ने भी यही कहा कि जो हमारे अंदर की तृष्णा, ये डिजायर्स है ना, दे नेवर एंड, जितनी पूरी करते जाएंगी वो और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमें अपने आप को ही समझाना होगा कि खुश रहना भी जरूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जरूरी है। जब आप आपने कभी देखा होगा ना, सड़क पे बच्चे हैं, सड़क के बच्चे हैं, कोई सुविधा नहीं है, और खाने को भी पूरा नहीं है, कपड़े भी पूरे नहीं, बारिश आ रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम खुश हैं। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, अमीरों के घर में पैदा हुए बच्चे कहीं ऐसे हैं जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किस बात के लिए, हम बोर हो गए, हमें नया टॉय चाहिए। अब उन्हें किसी चीज से संतुष्टि नहीं है, उनके पीछे 10-10 लोग लगे हुए हैं, संतुष्टि नहीं है। क्यों संतुष्टि नहीं है? एक के बाद एक डिजायर्स आ रहे हैं। छोटा सा परिवार है, छोटी सी नौकरी है, बहुत खुश है, एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, रात को शांति से सो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग शांति से नहीं सोते। अगर आप संतुष्ट हो अपने जीवन से, आपके पास पैसा भी है, आपका परिवार अच्छा, आप संतुष्टि से सो रहे हो, ठीक बात। लेकिन बहुत पैसा है लेकिन आपस में लड़े जा रहे हैं, शांति नहीं है घर में, आप एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, और अगर लोग आपके परिवार के लोग हैं, आप लोग रो के सो रहे हो एक दूसरे से, है ना। मैंने ऐसे बहुत अमीरों को देखा है, या बहुत ऐसे हाईली लग्जूरियस लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोगों को देखा है कि बाहर जाएंगे एकदम टिप टॉप बन के, ब्रांड के कपड़े पहन के। आप उनके कोई और सोशल मीडिया देखो तो आपको लगेगा अरे कितने खुश लोग हैं, क्या मुस्कुराहट है, कहाँ बढ़िया बढ़िया जगह घूम रहे हैं। लेकिन कभी असली जीवन में उनको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा अरे उनकी तो किसी से नहीं बन रही, रो रहे हैं, रात को रो के सो रहे हैं, सुबह उठ के डिप्रेसिव स्टेट में हैं। तो उस जीवन का भी क्या फायदा जिसके अंदर आप यू आर नॉट योर ट्रू सेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी अंडरस्टैंड कि लग्जरी ठीक है, मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तब भी कोई दुख नहीं है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका बेसिक आनंद, जॉय, खुशी वो रहनी चाहिए, रस आपके जो जीवन का है वो रहना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आपका रस खत्म हो जाए जीवन का। सब कुछ है, फोन भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, लेकिन जीने में आनंद ना आ रहा हो। अगर ऐसा है तो लेट्स यू नो रीथिंक, लेट्स यू नो स्टार्ट दिस ड्राइव अगेन, कि अपने जीवन के अंदर फिर से हम अपनी लाइफ को रीसेट करें, हमारी प्रायोरिटीज को ठीक करें। जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार करें, जहाँ घूमने इंजॉय करने बातों की ज़रूरत है वहाँ पे बातें करें, है ना। लेट्स बी सैटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव, बिकॉज अनसैटिस्फाइड सोल्स आर एंगरी, दे आर रैश, दे आर अनहैप्पी, दे आर सैड, दे क्राई, दे आर इनसिक्योर, एंड सच थिंग्स आर नॉट समथिंग वी वॉन्ट। किसी को नहीं चाहिए ये सब चीज़ें अपने जीवन में। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। एक महाभारत का एक छोटा सा किस्सा है कि कौरव और पांडव, जब पांडव जुए के अंदर बहुत चीज़ें हार गए थे तो उसके बाद उन्हें वनवास दे दिया गया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अब वो बेचारे तो भटक रहे हैं जंगल, लेकिन फिर भी क्योंकि चलो परिवार साथ था, एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो फिर भी खुश थे, लोगों की मदद कर रहे थे, अलग अलग जगह राज्यों में जा रहे थे। लेकिन जो दुर्योधन और उसके भाई थे वो तो तभी सब कुछ था, राजपाट सब उनके पास, लेकिन फिर भी किस चीज़ में लगे हुए थे, ढूंढने में, पांडवों को कहाँ ढूंढें, कैसे ट्रबल क्रिएट करें। तो लग्जरी ज़रूरी नहीं है सुख के साथ आए, और हमें बात ध्यान रखनी है कि लग्जरी मिले बहुत अच्छी बात, ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन क्या चीज़ ज़रूर मिलना चाहिए, किस चीज़ पे हमारी प्रायोरिटी और हमारी अटेंशन रहनी चाहिए, सुख। और सुख अकेले भी मिल सकता है, जंगल में भी मिल सकता है, परिवार में मिल सकता है, दोस्तों के साथ मिल सकता है, अपने साथ आत्मसंतुष्टि में मिल सकता है, किसी की मदद करके मिल सकता है, बहुत तरीके हैं सुख के भी। तो सुख ये भी हो सकता है कि आराम से चाय पी रहे हैं और अपनी पसंद की किताब पढ़ रहे हैं। सुख ये भी हो सकता है कि परिवार के साथ बैठे हैं, सब एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। तो सुख अलग चीज़ है, हमें अपने सुख को सिर्फ लग्जरीज के लिए नहीं त्यागना। वी हैव टू सी वट इज एसेंशियल, वट इज मोस्ट नेसेसरी, एंड वट इज दैट इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का रस क्या है, क्या है आपके जीवन का एसेंस, कब आप अंदर से खुश होते हो, संतुष्ट होते हो और मन में एक शांति आती है कि अरे एक होता है ना, जब आपको जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन जीने में मजा आ रहा होता है, वो वाले जो सिचुएशन है वो कब आती है आपकी लाइफ में। ढूंढिए अपना कि आपके लिए वो सुख क्या है, जब आप जिस दिन जिस रात जिस क्षण आप होते हो और आपको लगता है कि यू नो आई एम हैप्पी, यू फील सैटिस्फाइड, यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तो वो कब आता है। सी दिस and then prioritize whatever you find there. Thank you.